गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर 7 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास मैंने आपको चैप्टर 7 में क्लाइमेट के बारे में बताया था, है ना। हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों आपका क्या है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। जो क्लाइमेट है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्लाइमेट का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत असर होता है। जो क्लाइमेट है वो लिविंग बींग्स पे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर बहुत असर डालता है। ठीक है, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, तो जो जानवर जहाँ रहते हैं उनको वहाँ के क्लाइमेट में अपने आप को ढालना होता है, वहाँ के क्लाइमेट में रहना सीखना होता है ना, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी हैबिट्स को अपने आप को बनाना पड़ता है ना। जैसे आप किसी सिटी में जा रहे हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, थोड़ा गर्म क्लाइमेट है, तो आपको उसी क्लाइमेट में अपने आप को ढालना होगा अगर आप वहाँ रहेंगे, है ना। अगर कहीं का क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ पर बहुत ठंड है, तो आपको अपने आप को उसी वे में करना होगा कि उसी वे में आप अपने आप को रखना होगा कि आप उस ठंडे क्लाइमेट में क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। और अगर आप अपने आप को उस में नहीं ढाल पाए, उस ठंडे क्लाइमेट को झेल नहीं पाए, तो आप क्या हो सकते हो, आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यही है ना, तो एनिमल्स को भी सर्वाइव करने के लिए, है ना, सर्वाइव करने के लिए जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ता है। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। देखो, अब जो एनिमल्स बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं या फिर जो बहुत गर्म इलाके में रहते हैं, जहाँ का मतलब कैसा है, बहुत ठंडा क्लाइमेट है या बहुत गर्म क्लाइमेट है, उन्हें अपने उनके पास क्या होने चाहिए, उसको झेलने के स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, है ना, उसको झेलने के होने चाहिए, स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, ताकि वो वहाँ पर जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं, अगर ज़्यादा ठंड है तो ज़्यादा ठंड को उनको झेलना आना चाहिए, और जो अगर गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को उनको ढालना आना चाहिए, है ना, उनके पास होने चाहिए। देखिए, एडेप्टेशन की डेफिनेशन आपने क्लास 6 में पढ़ी होगी, मैं आपको एक बार बताती हूँ कि एडेप्टेशन मतलब क्या होता है। कोई भी न्यू कंडीशन में, जो भी नई स्थिति है, नई सिचुएशन में अपने आप को नई कंडीशन के अकॉर्डिंग, नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेस, अपनी जो हमारी प्रोसेसेस है उसको चेंज करना, है ना, उसके उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना, वही एडेप्टेशन है ना। एडेप्टेशन क्या है, अपने बिहेवियर में या फिर अपने स्ट्रक्चर में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अपने ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में या फिर हम उसके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है, और वो चेंज किस लिए है, चेंज इसलिए हमें लाना पड़ता है, इसलिए ऑर्गेनिज़म्स को चेंज लाना पड़ता है, ताकि वो उस कंडीशंस में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, उस सिचुएशन में रह सके। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे। जो सर्वाइव कर लेते हैं, है ना, जो उन कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेते हैं, वही सर्वाइव कर पाते हैं, तो इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन एक बदलाव है किसमें, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में या फिर उसके स्ट्रक्चर में, ताकि वो उस स्थिति में, उस कंडीशन में रह सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि सॉइल पे किस तरीके से मौसम और जलवायु का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम केवल ये पढ़ेंगे कि क्लाइमेट का असर, जलवायु का असर जानवरों पर कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसके लिए हम
दो जगह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में किस तरीके से एनिमल रहते हैं, वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, कौन कौन से उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो उन पोलर रीजन्स में रह पाते हैं, और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब पोलर रीजन्स का ही मतलब आप समझ गए होंगे। पोलर रीजन्स का मतलब क्या हुआ? पोलर रीजन्स का मतलब हुआ कि ऐसे रीजन्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, जो पोल्स के पास जो रीजन्स हैं, पोल्स के पास जो इलाके हैं वही पोलर रीजन्स कहलाते हैं, है ना। जैसे हमारी ये गोल पृथ्वी है ये, तो ये क्या है, ये हमारे पोल्स ही तो हैं। तो इन पोल्स में जो इलाके हैं, इन पोल्स पे क्या है, इलाके हैं, यही इलाके क्या कहलाते हैं बच्चों, पोलर रीजन्स। क्या कहलाते हैं ये इलाके? पोलर रीजन्स। और हम कह सकते हैं पोलर रीजन्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, अलास्का यूएसए में जो अलास्का है वो, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये सारे रीजन्स, ये सारी कंट्रीज किस में आती हैं बच्चों, ये सारे कंट्रीज बिलोंग करती हैं पोलर रीजन्स से। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टेस आर फाउंड। अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टेस कहाँ पर होते हैं, ब्राज़ील है, इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो ये सारे रीजन्स, केन्या है, ये सारे रीजन्स कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझ में आया कि कौन कौन से पोलर रीजन्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज पोलर रीजन से बिलोंग करती हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करती हैं। चलिए तो देखिए, अभी आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7.2, आपको वर्ल्ड का मैप है लेना है, और उसमें आपको पोलर रीजन्स को ब्लू कलर से मेंशन करना है, ब्लू कलर से शो करना है, और ट्रॉपिकल रीजन्स को आपको रेड कलर से शो करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बच्चों, ये आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं, और इसमें ये जो ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से मेंशन है, ये आप देख रहे हैं पोल्स पर ही है, ये पूरी दुनिया है, और दुनिया के जो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यही पोलर रीजन्स है। तो ब्लू जो एरिया है, दीज आर पोलर रीजन्स। ओके, और आप ये रेड कलर से देख रहे हैं, ये देखो बिल्कुल सेंटर में है, और ये रेड कलर से है, ये रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये कौन सा रीजन है बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन। तो आपको वर्ल्ड के मैप में दोनों रीजन समझ में आए, जो ब्लू कलर से है वो है आपका पोलर रीजन्स, और जो रेड कलर से है वो है बच्चों ट्रॉपिकल रीजन्स। और भी आपको इसमें कलर दिखाई दे रहे होंगे, लाइट ब्लू कलर है सब पोलर, मतलब पोलर से नीचे वाला रीजन, टेम्परेट उससे और नीचे वाला रीजन, और सब ट्रॉपिकल, मतलब इस तरीके से है, पहले पोलर, फिर सब पोलर, फिर टेम्परेट, फिर ये सब ट्रॉपिकल, बीच में आ गए ये, फिर ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर सब पोलर, और फिर पोलर। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड का मैप समझ में आया कि कहाँ कहाँ रीजन्स है। चलिए अब हम पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं कि पोलर रीजन्स में किस तरीके के एनिमल्स होते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। देखिए पोलर रीजन्स, द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। देखो जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर बर्फ बहुत है ना, मतलब वो ऑलवेज हम कह सकते हैं ज़्यादातर वो किससे कवर रहता है, बर्फ़ से कवर रहता है, ज़्यादातर वहाँ पे क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, मतलब बहुत ही कम गर्मी पड़ती है, वरना ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ईयर ठंड ही होती है वहाँ पर। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज, मतलब 6 महीने तक सूरज पोल्स पर अस्त नहीं होता है, मतलब ढलता नहीं है, और 6 महीने के लिए, जबकि फॉर द अदर 6 months दूसरे 6 महीने के लिए सूरज निकलता नहीं है। इन विंटर्स
टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 degrees. आप देख रहे हैं -37 degrees, मतलब कितनी बर्फ़ पड़ती होगी वहाँ पर पोलर रीजन्स में. वहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में कितना हो जाता है, कितना कम हो जाता है, -37 degrees तक हो सकता है वहाँ का टेम्परेचर. अब वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं तो उन एनिमल्स को इस क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को करना होगा. तो देखते हैं, तो यहाँ पे मेनली दो के एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं कि वहाँ पर मेनली दो एनिमल्स बताए गए हैं. यहाँ पर और भी एनिमल्स रहते हैं तो मेनली हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे. पहला है पोलर बैर्स एंड सेकेंड है पेंगुइन. ओके, पोलर बैर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. देखो, जो पोलर बैर्स होते हैं, आपने देखा होगा पोलर बैर्स की स्किन कैसी होती है, उनके पास वाइट कलर के बाल होते हैं, मतलब उनकी पूरी स्किन वाइट होती है. और वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है तो सब चीज़ें वाइट वाइट होती है ना, तो वो विजिबल भी नहीं होते, दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर वाइट वाइट है. और वाइट में वाइट पोलर बैर्स होते हैं तो वो वहाँ पर आपको विजिबल भी नहीं होते, दिखाई भी नहीं होते. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. मतलब क्या है कि सारी चीज़ें, देखो वाइट बैकग्राउंड है ऑलरेडी, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो सब कुछ वाइट वाइट है. पोलर बैर्स भी कैसे हैं, वाइट हैं, तो वो ये चीज़ उनको किससे बचाती है, मतलब जो उनको मारना चाहते हैं, जो उनको खाना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, तो वो उनसे बच जाते हैं, मतलब अपने दुश्मनों से वो बच जाते हैं, दुश्मनों से बचने में उनकी मदद करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. और ये चीज़ इसमें भी होती है, हेल्प करती है कि वो अपने शिकार को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि दिखाई देते नहीं है, अपने शिकार को चुपचाप से वो पकड़ लेते हैं. और देखो वहाँ पर कैसी ठंड होती है, बहुत ठंड होती है, तो बहुत ठंड होने की वजह से उनकी बॉडी पर 2 layers होती हैं फर की, मतलब जो बाल होते हैं ना, फर होते हैं, उसकी 2 layers होती हैं. और उन लेयर्स के अंदर, स्किन के अंदर एक फैट की भी लेयर होती है जो उन्हें किससे बचाती है, इतनी सारी ठंड से बचाती है. इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड. और वो धीरे धीरे भी चलते हैं, धीरे धीरे चलने की वजह से, धीरे धीरे चलना और मतलब ओवरहीटेड, ज़्यादा हीट नहीं हो जाए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, रेस्ट भी करते हैं अक्सर. फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग. सो द पोलर बेयर गोज फॉर स्विमिंग. अब जैसे वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए गर्मी पड़ती है, तो थोड़े टाइम के लिए जब गर्मी पड़ती है तो जो पोलर बेयर्स होते हैं, पोलर बेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्विमिंग के लिए चले जाते हैं. और वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, मतलब बहुत अच्छा तैरते हैं, वो बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं. और जो उनके पंजे होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं बच्चों, लंबे होते हैं. बहुत कैसे होते हैं, उनके पंजे बहुत चौड़े और बहुत लंबे होते हैं, ताकि वो स्नो पर, जो बर्फ़ है, वो उस पर चल सके, आसानी से बर्फ़ पर चल सके और तैर सके. मतलब उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं, ताकि वो तैर सके और तैरने के साथ साथ वो स्नो पर भी चल सके. ठीक है, वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस. और क्या होता है, जब ये पानी के अंदर जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, तो ये अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर, इनके पास इतनी पावर होती है कि अपने नॉस्ट्रिल्स को ये बंद कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक वो उस पानी में रह सकते हैं. जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ के बीच में पानी वगैरह होता है, तो ये उसके अंदर चले जाते हैं और अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकते हैं और बहुत समय तक ये पानी में रह सकते हैं. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. और इनकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो भी बहुत तेज होती है, ये इजिली अपने शिकार को पकड़ लेते हैं. आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये किसके बारे में था, पोलर बैर्स के बारे में. क्या है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि इनकी बॉडी पर 2 layers होती हैं फर की, उन लेयर्स के अंदर फैट होता है ना, फैट की लेयर होती है, उन स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है.
और ये क्या कहते हैं अपने आप को, जब गर्मी के दिन होते हैं तो ये स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, और स्विमिंग ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं, स्विमर हैं, बहुत ही अच्छी स्विमिंग करते हैं। इनके जो पंजे होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, जो उनको तैरने में भी मदद करते हैं, साथ के साथ स्नो पर चलने में भी इनको आसानी होती है, ठीक है। और ये पानी के अंदर तैरते वक्त अपनी नोस्ट्रिल्स को बंद कर सकते हैं, नोस्ट्रिल्स को बंद करके ये बहुत टाइम तक पानी में भी रह सकते हैं। आई बात समझ में? और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर होती है, और ये इजिली अपने शिकार को खाने के लिए पकड़ लेते हैं। तो ये सारी बातें किसकी थी? पोलर बेयर्स के बारे में। तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि कैसे होते हैं ये। देखिए बच्चों, कौन है ये? पोलर बेयर्स। देखिए तो सब आप देख रहे हैं वाइट वाइट बैकग्राउंड है, तो ये वाइट वाइट बैकग्राउंड के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो इनको कोई भी पकड़ नहीं पाता है, और ये अपना शिकार भी इजिली कैच कर लेते हैं। देखना कितने सुंदर लग रहे हैं ना, वाइट कलर के। ये कहाँ पर रहते हैं? पोलर रीजन्स में। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक एनिमल के बारे में पढ़ा, और क्लाइमेट और एडेप्टेशन के बारे में अच्छे से समझा, पोलर रीजन्स के बारे में समझा। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया हो। और अब आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है यहाँ तक का चैप्टर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे कि पोलर रीजन्स में और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। टिल देन आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। बाय बाय, टेक केयर।